कर्फ्यू लग गया, तो ये छोटा सा लेक्चर में बनाया। तो बैलेंस शीट तो उस दिन आपने देख ली, समझ ली थोड़ा बहुत। फिर से बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ डिटेल में नहीं बताया गया, थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद ये छोटा चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी के एक दो क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। बाकी पूरा प्रैक्टिकल अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वहां पे अपन बैलेंस शीट बनाना और ये P&L बनाना दोबारा देखेंगे। बट अपन को थोड़ा बहुत आइडिया इस चैप्टर से हो जाएगा उसके बारे में। तो बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में उस टाइम बताया था, अब फटाफट से आपको P&L के बारे में बता देता हूँ। नोट्स में आपने उतार ही लिया है कि P&L बनाता कैसे, अब उसको एक बार देख लो। P&L यानी लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता आपने 11th में पढ़ा है सेम वैसे ही, तो उसमें जो चीजें आती थी वही इसमें आ रही है, बस फॉर्मेट का डिफरेंस है थोड़ा सा। और वो कैसा डिफरेंस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। दूसरी बात, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपने को पूरा P&L नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ कुछ जो मेन मेन चीजें वो देखने देखने और इजिली बना लेंगे। तो P&L का जो फॉर्मेट अगर अपन देखें तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ कंपनी एंड P&L फॉर द ईयर। अब देखो ये घर पे मैं जुगाड़ से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब वो बार बार एकेडमी तो जा नहीं सकते हैं लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, तो बोर्ड भी थोड़ा छोटा सा ही है, तो इसी में सब कुछ एडजस्ट करने के लिए मैंने एक लाइन में लिख दिया नेम ऑफ कंपनी P&L फॉर द ईयर। फिर डेट आ जाती है, वो आप अपने नोट्स में आप पहले उतार ही चुके हो ऑलरेडी, तो उसके बाद बात करते थे। यहाँ पर सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, तो जो अपनी सेल होती है। देखो इस पूरे P&L का तरीका क्या है, पहले पहले पन्ने सारी इनकम लिख दी और बाद में सारे खर्चे लिख दिए। तो इनकम में से जब खर्चे घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकम क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, उसका दूसरा नाम है सेल्स। अब सेल्स आप सब जानते हो सेल्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले ली सेल्स। अब सेल्स में अगर सेल्स रिटर्न दे रखा हो तो उसको माइनस कर देंगे, अधिकतर तो क्या होता है कि वो रिटर्न माइनस ही होगा। तो नॉर्मली अगर सेल्स और रिटर्न दोनों अगर दे रखी है अलग अलग, तो सेल्स में से रिटर्न को घटा देंगे, और सेल्स को रिटर्न में से घटा देते हैं उसका एक नाम होता है नेट सेल्स। ये आगे वाले चैप्टर में देखेंगे अपन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेट सेल। तो अगर कभी कहीं लिखा हुआ है ना नेट सेल, तो नेट सेल का मतलब क्या है, सेल्स में से पहले से रिटर्न को घटा दिया है। और कभी अगर आपको सेल्स और रिटर्न दोनों दे रखें तो रिटर्न को घटा दें। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया सेल्स का पैसा। सेल्स के बाद तो पहली इनकम तो होगी सेल्स की हमारी, उसके अलावा अगर कोई इनकम है तो दूसरा आ जाता है बी पॉइंट अदर इनकम। अदर इनकम मतलब दूसरी कोई भी इनकम, तो पहली इनकम सेल्स की होगी, दूसरी कोई भी इनकम, टोटल इनकम कर दी। उसके बाद सी टोटल इनकम, इनकम या रेवेन्यू कुछ भी लिख सकते हैं, ज्यादातर रेवेन्यू वर्ड यूज करते हैं इसमें। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होगी और अदर इनकम दूसरी रेवेन्यू, उन सबको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, टोटल इनकम टोटल रेवेन्यू। तो पहले यहाँ तक तो आ गया हमारे पास इनकम। अब जितनी इनकम अपन ने कमाई है उसमें से खर्चे को घटा देंगे तो बचेगा जो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। तो पहले तो टोटल इनकम आ गई, इनकम इनकम आ गई, तो पहले इनकम लिख ली। उसके बाद आती है बात एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, मैंने जब 11th में पढ़ाता था, यहाँ इतना डिटेल में नहीं है, मैं दो चार चीज़ें मेन मेन वो वर्ड याद रखते हैं हमें। तो उन वर्ड में कौन कौन सा है, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो परचेज वगैरह होती है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज वर्ड नहीं आएगा, अधिकतर कॉस्ट ऑफ मटेरियल आएगा। तो कॉस्ट है वो सबसे पहले आ जाएगी, इसके बाद चेंज परचेज ऑफ मटेरियल, दूसरा परचेज आएगा नीचे अगर, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा वो हो गया, परचेज ऑफ मटेरियल डायरेक्ट दे रखा, परचेज ऑफ मटेरियल परचेज दे रखी तो वो हो गया। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में चेंजेस स्टॉक अगर जो बिल्कुल नया आया है या कम हुआ है वगैरह, तो वो यहाँ आ जाएगा। बस ये वर्ड ये जो है ये ध्यान रखना, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन आप जानते हो खर्चा है, उसके अलावा और कोई अदर एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो बेसिक खर्चे हैं इनके बस नाम पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना है अभी। तो ये पहले इनकम लिखी फिर एक्सपेंसेस लिखे थे, तो इस इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा देते हैं। तो जो हमने सी में लिखी थी टोटल इनकम, टोटल इनकम में से घटा देंगे डी टोटल एक्सपेंसेस को, तो सी में से डी को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट। इसमें से एक चीज़ और माइनस हो जाती है, इनकम टैक्स। ये आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में दे रखा होगा भाई 50% 40%, तो जितना ये प्रॉफिट है उसका टैक्स निकाल लो 40% 50% जो भी दे रखा है, टैक्स निकाल के माइनस कर दिया तो आखिरी में क्या बचेगा हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ये बच जाएगा हमारे लिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले लिखेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हो गया हमारी सेल्स, अदर इनकम जो भी कोई इनकम होगी वो जोड़ लेंगे उसमें माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ों को अपन जोड़ लेंगे, सॉरी घटा देंगे, जोड़ के एक्सपेंसेस को, इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा देंगे, जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट।
अब इस प्रॉफिट में से एक ही चीज माइनस करनी है, वो है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को घटा दिया तो आखिर में क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। इतनी छोटी सी ये इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल है, आपको पढ़ने में याद करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और बनाना सीखने में तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगला चैप्टर जो होगा ना उसमें बहुत ईजिली समझ जाओगे, बस इसको एक बार पढ़ लेना आप। अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, एक बैलेंस शीट थी जिसके बारे में फॉर्मेट हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा, छोटा सा ये पीएनएल का फॉर्मेट है इसको देखना। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आज शाम तक दे दूंगा आपको, तो ये चैप्टर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमारा बैलेंस शीट और पीएनएल का, ये कंप्लीट हो जाएगा।